हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी का कहना था कि भारत को आदर्श और शिक्षा से जोड़ना होगा तो स्वच्छता एवं शिक्षा से जोड़ना होगा, तभी जाके हमारा भारत का गांव आदर्श कहलाएगा। मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मेरा समाज और मेरा देश स्वच्छ एवं स्वस्थ रहे। मैं 11 वर्षों से नाला नाली सड़कें की साफ सफाई करते आ रहा हूँ और मैं आगे भी अपना अभियान को जारी रखूंगा, उस वक्त तक रखूंगा जब तक मेरे ग्रामीण क्षेत्र में सरकार के द्वारा अभियान नहीं पहुंचेगी। मेरा एक सपना है कि हर घर का कचरा का रिसाइकिलिंग करूं, उस प्लास्टिक उस पेपर की थैलियां से एक ऐसा मैं पदार्थ को यूज करूं कि हर घर का सोफा फर्नीचर में भी काम आए और रोड नाला नाली बनाने में भी सरकार को जो काफी रकम की खर्च होती है ईंट बालू सीमेंट पर, उस प्लास्टिक के डस्ट से मैं एक नाला और नाली की तैयारी करूं, हर घर का सोफा फर्नीचर को तैयार करूं। मेरी इस मैसेज को आप लोग देखिए और प्लीज इसे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। वहीं आपका पगला झाड़ू वाला शशिभूषण सिंह, जो मेरी पत्नी अंजू देवी ने मेरे इस अभियान को पूरा करने के लिए, जब प्रधानमंत्री जब स्वच्छता दिवस को घोषित कीजिए पूरे भारत के लिए, तो मेरी पत्नी ने अपने हाथ पर कान की बाली रखकर उन्होंने कहा कि मेरे जीवन में अभाव प्रभाव भी आएंगे, आप उसे भी लेके चलेंगे, लेकिन स्वच्छता अभियान को मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत, जय स्वच्छता। आप सारे अभिभावक से अपील है कि मेरी वीडियो को देखें, इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। प्लीज हमारे धर्म पिता महात्मा नरेंद्र मोदी जी तक मैसेज पहुँचाने का कार्य करें। जय हिंद, जय भारत, जय स्वच्छता।